दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको तीसरे T20 मैच से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरा T20 मैच किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा, टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कौन कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है, और साथ ही साथ इस मैच से रिलेटेड A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को माई 11 सर्कल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर आप लक्ष्मण और गांगुली सर जैसे चैंपियन खिलाड़ी के साथ खेल सकते हो। करना कुछ नहीं है, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में से बेस्ट 11 बनाना है, और यदि आपकी टीम इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज में लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश, और साथ ही साथ आप 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो और आपके विनिंग को डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग करोड़ रुपए जीत चुके हैं। तो देरी किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करते ही पहले डिपॉजिट पर इस ऐप की तरफ से फ्री में 1500 रुपए का बोनस मिल जाएगा, और साथ ही साथ 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने वाला है। इस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरे T20 मैच से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि दूसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका दिया गया था, और इस बार यानी कि तीसरे T20 मैच में भी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कई सारे बड़े बदलाव होंगे। तो उससे पहले इस मैच के डेट के बारे में बात करें तो यह मैच खेला जाएगा 16 मार्च को, यानी कि 16 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि टाइमिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके बाद इस मैच के लिए दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो सबसे पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो इस टीम के प्लेइंग 11 में काफी बड़ा बदलाव होगा, जहां पर रोहित शर्मा एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने साफ कर दिया था कि तीसरे T20 से रोहित शर्मा अवेलेबल होंगे। तो इस वजह से इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन, तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर सूर्य कुमार यादव, छठवें नंबर पर ऋषभ पंत, सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, आठवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, नौवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, दसवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल। तो टीम इंडिया का प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार का होगा, जहां पर रोहित शर्मा की वापसी एक बार फिर से तीसरे T20 मैच में हो जाएगी। इसके बाद इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे जॉस बटलर और जेसन रॉय, तीसरे नंबर पर डेविड मलान, चौथे नंबर पर जॉनी बेरेस्टो, पांचवें नंबर पर बेन स्टोक्स, छठवें नंबर पर इयान मॉर्गन, सातवें नंबर पर सैम करन, आठवें नंबर पर क्रिस जॉर्डन, नौवें नंबर पर टॉम करन, दसवें नंबर पर जोफ्रा आर्चर और 11वें नंबर पर आदिल राशिद। तो इंग्लैंड का प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार का होगा। इसके बाद इस मैच के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स पर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाएगा, वहीं मोबाइल में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इसका लाइव ब्रॉडकास्ट देख पाएंगे। तो यही था तीसरे T20 मैच से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतेगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, वहां से डाउनलोड करने पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।